तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च हतमी मरहले में दाखिल हो गए। इमरान खान ने दो टोक कह दिया कि मार्च में जिहाद समझकर हिस्सा लें, किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं। कारकुनों से आइन की पासदारी और मार्च कामयाब बनाने का हल्फ उठाया। कारकुनों का लहू गरमाते हुए कहा, करप्ट टोले ने चोरियाँ माफ़ कराई, मर्जी के फैसले लिए, नैब पर अपना आदमी बिठा दिया, चोरी के मुकदमात माफ़ कराना कौम के साथ मजाक है। ये जो अब वक्त है ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आजादी की जिहाद का वक्त है। नवाज शरीफ बाहर भाग गया, इसहाक डार भाग गया, इनके बेटे बाहर भाग गए, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे आज बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ये डरे हुए थे। इन दोनों चोरों को NRO मिला, इनके केसेस माफ हुए, ये वापस आए। 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। आपने कौन सा काम किया कि आपके 80 लाख से 90 करोड़ पे सासे चढ़े गए? जैसे उसे सवाल पूछा वो जहाज पे चढ़ के मुल्क से बाहर भाग गया। अब वो उसको वापस ले आए हैं, अब नवाज शरीफ वापस आएगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस करें, इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें या किसी तरह उसको जेल में डालें। केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। ना महंगाई कम करने आए थे ये, ना मायशत ठीक करने आए थे। सारे चोर एक काम करने आए थे, आपकी चोरी छुपाने, खत्म करने के लिए। सारे केसेस माफ हो रहे हैं, ऐसा मजाक कभी इस मुल्क से नहीं हुआ। इनको NRO दिया, NRO का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। यहां सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरा शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।